आप एक एक्सरसाइज कर ले फटाफट, आपके हाथ में जो पेन है उसको आप ऐसा पकड़ोगे, आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा, ये जो बोले ना ये उसका निक उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा रहेगा, एंड इसको आप देखते रहोगे एंड धीरे 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 उसको आपके सेंटर के पास लेकर आओगे। जैसे मैंने रखा एंड मैं उसको ऐसे ऐसे लेकर आ रहा हूँ, जहाँ तक पास में आ सकता है एकदम पास में धीरे धीरे लेकर आता, एकदम पास लेकर आई, जितना पास में लेकर आ सकते हो उतना पास में लेकर आई, ध्यान वहाँ पर वहाँ से हटाना नहीं है। प्रॉपर क्लिक दिखाई दे रहा है गया, और पास में लेकर चाहिए आंखों के, ब्लर हो जाता है बस, राइट ब्लर हो गया, राइट कितने दूरी पर ब्लर हो रहा है अंदाजे? 15 से नहीं बेटा, करेक्ट, तो 10 से 15 सेंटीमीटर का जो हमारा दायरा है आंखों का, उसके अंदर वो सब्जेक्ट आपको ब्लर हो जाता है देखने के लिए, लेकिन चांद इतना दूर है या आसमान इतना दूर है जो इनफाइनाइट है उसका डिस्टेंस हमको एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ पर हमारी आँखें फोकस कर पाती है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ जो मेरे आपको फिफ्थ तक पास में वहाँ पर फोकस नहीं कर पाती, इसका रीज़न क्या है? तो ये आपको होता है मिनिमम फोकस डिस्टेंस की। अगर मान लीजिए मैं कोई भी कैमरा के लेंस लेता हूँ तो उस कैमरा के लेंस का एक मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस कितना रहेगा वो मुझे अंडरस्टैंड करना है। करेक्ट, तो वो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होगा? लेंस के सामने से कैलकुलेट होगा, फ्रेम बैरल से, फोकल प्लेन से, एग्जैक्टली उसके लिए फोकल प्लेन हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि एग्जैक्टली कैमरा के अंदर का सेंसर जो है वो प्लेसमेंट किधर है।